प्रश्न नंबर एक, जोस्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो पहला का उत्तर हो जाएगा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर आदि आते हैं। केटू या गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम के सर्वोच्च चोटी है। प्रश्न नंबर दो है कि गर्भनाल में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो दो का उत्तर हो जाएगा प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा से। प्रश्न नंबर तीन की हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार ने किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2030 तक। प्रश्न नंबर चार है कि अंगरिया सीप सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच चली? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न चार के ऑप्शन सी, मुंबई से गोवा। प्रश्न नंबर पाँच, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो पाँच के उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में। प्रश्न नंबर छः की आईबी समर युद्धाभ्यास का संबंध किन देश में से नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, म्यांमार से नहीं है। प्रश्न नंबर सात है कि निम्न में से कौन ईंधन बायो का उदाहरण नहीं है? तो सात का उत्तर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा जो है वह बायो का उदाहरण नहीं है। प्रश्न नंबर आठ है कि हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है? तो आठ के उत्तर हो जाएगा कि केंद्र सरकार ने तीन द्वीप जिसमें हैवलॉक द्वीप स्वराज द्वीप कर दिया गया था, और हैवलॉक का स्वराज, और दूसरा है नील द्वीप को शहीद द्वीप, और तीसरा है रॉस द्वीप को नेता सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया है। प्रश्न नंबर नौ है कि निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो नौ के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नौ के उत्तर। इसका क्या है कि महाजनपद काल में कुछ 16 महाजनपद थे, और इन सभी महाजनपद तथा इनकी राजधानियां इस प्रकार है। राजगीर, बज्जी, वैशाली, अवंती, उज्जैन, मल, कुशावती, पंचाल, अहिछत्र, चेदी, शक्तिमती, कुरु, इंद्रप्रस्थ, मत्स्य, विराटनगर, कंबोज, हाटक और सुरसेन, मथुरा, अस्मक, पोटली तथा गंधार, तक्षशिला। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा मिलान सही है? 10 का उत्तर हो जाएगा ए, कल्प। प्रश्न नंबर 10 के ऑप्शन हो जाएगा ए। वेद को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई, और ये 6 है जिसमें आता है शिक्षा वेद मंत्रों का उच्चारण है। शिक्षा जो है वेद मंत्रों का उच्चारण है, और कल्प जो है यज्ञ संबंधी नियम है, और छंद है वेद मंत्रों का पाठ है, और निरुक्त जो है शब्दों की उत्पत्ति है। इसका मिलान इस प्रकार होगा। प्रश्न नंबर 11 है कि पौधे में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन है? तो 11 का उत्तर हो जाएगा एब्सेसिक अम्ल जो है वह पौधे को वृद्धि हार्मोन के रूप में प्रदान करता है। एब्सेसिक एसिड पौधे में पाया जाने वाला वृद्धि रोधक हार्मोन है। इस हार्मोन की खोज कर्न्स, एडिकोट तथा बेरिंग ने किया था। प्रश्न नंबर 12 है कि 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है? तो 12 के उत्तर हो जाएगा 12 के उत्तर होगा 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है? तो इसका ऑप्शन है बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मेघालय, जम्मू कश्मीर, नागालैंड। मेघालय, जम्मू कश्मीर, नागालैंड में लागू नहीं है। प्रश्न नंबर 13 है कि शिवडी का पूरा नाम क्या है? तो 13 के उत्तर हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, शिवडी का पूरा नाम है। प्रश्न नंबर 14 है कि डाची गामा राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है? तो 14 का उत्तर हो जाएगा सी,
कश्मीरी हिरण का संरक्षण किया जा रहा है। डाची गामा उद्यान कश्मीर में अवस्थित है और यह अभयारण्य महामृग के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 15 है कि 2018 का आईपीएल जीतने वाली टीम कौन है, तो 15 के उत्तर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। प्रश्न नंबर 16 है कि राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो 16 के उत्तर हो जाएगा 245। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। और प्रश्न नंबर 17 है कि 2018 में कौन मिस वर्ल्ड चुनी गई थी, तो 17 के उत्तर हो जाएगा ए वनीसा पोंस डी लियोन। प्रश्न नंबर 18 है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया, तो 18 के उत्तर हो जाएगा ए सेंटर फॉर साइंस एंड एक्वायरमेंट। प्रश्न नंबर 19 है कि गुरु गोविंद सिंह का 2019 में कौन सा जन्मदिवस मनाया गया था, तो 19 के उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिवस 352। प्रश्न नंबर 20 है कि सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब में। और प्रश्न नंबर 21 है कि कृषि मेला 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो 21 के उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 22 कुश्ती से संबंधित निम्न में से कौन खिलाड़ी हैं, तो 22 के उत्तर हो जाएगा बजरंग पुनिया। प्रश्न नंबर 23 है कि ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो 23 के उत्तर हो जाएगा दुशानबे जो है ताजिकिस्तान की राजधानी है। प्रश्न नंबर 24 है कि अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है, तो 24 के उत्तर हो जाएगा वित्त विधेयक से। प्रश्न नंबर 25 है कि एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य में की गई है, तो 25 के उत्तर हो जाएगा सिक्किम राज्य में। प्रश्न नंबर 26 है कि वज्र प्रहार युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, तो 26 के उत्तर हो जाएगा भारत और USA। प्रश्न नंबर 27 है कि वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था, तो 27 के उत्तर हो जाएगा 540 ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर 28 है कि सेलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो 28 के उत्तर हो जाएगा बी में दक्षिणी अमेरिका में। प्रश्न नंबर 29 है कि लोहा को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है, तो 29 के उत्तर हो जाएगा बी जस्ता का। प्रश्न नंबर 30 है कि CaSO4 × 2H2O का रासायनिक नाम क्या है, तो 30 के उत्तर हो जाएगा जिप्सम। प्रश्न नंबर 31 है कि वास्को डिगामा भारत कब आए थे, तो 31 के उत्तर हो जाएगा ए 1498 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 32 है कि सुल्तान अजलान शाह कब किस खेल से संबंधित है, तो 32 के उत्तर हो जाएगा बी हॉकी से। प्रश्न नंबर 33 है कैमूर वन्य अभयारण्य कहाँ है, 33 के उत्तर हो जाएगा ये बिहार में। प्रश्न नंबर 34 है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो 34 के उत्तर हो जाएगा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है लेकिन छत्तीसगढ़ झारखंड और पश्चिम बंगाल से गुजरती है। प्रश्न नंबर 35 है कि नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध निम्न में से किससे है, तो 35 के उत्तर हो जाएगा कमांडो ट्रेनर है सीमा राव। प्रश्न नंबर 36 है कि ट्रेन 18 का नया नाम क्या है, ट्रेन 18 का नया नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। प्रश्न नंबर 37 है कि एशियाई खेल 2018 कहाँ हुआ था, तो 37 के उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया में। प्रश्न नंबर 38 है कि कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, तो 38 के उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन सी घास, घास के बाद हिरण और हिरण के बाद शेर। प्रश्न नंबर 39 है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किससे मिला है, तो 39 के उत्तर हो जाएगा ए अमिताभ घोष को। प्रश्न नंबर 40 है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था, तो 40 के उत्तर हो जाएगा ए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया था। प्रश्न नंबर 41 है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो 41 के उत्तर हो जाएगा सी मैक्स प्लांक ने। प्रश्न नंबर 42 कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो 42 के उत्तर हो जाएगा बी काली मिट्टी। प्रश्न नंबर 43 नन्हवा सुवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह किस राज्य में है, 43 के उत्तर हो जाएगा ये महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 44 है कि इरना सोलबर्ग कहाँ की प्रधानमंत्री हैं, तो 44 के उत्तर हो जाएगा नॉर्वे की।
प्रश्न नंबर 45 है कि अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, तो 45 के उत्तर हो जाएगा पी चिदंबरम। प्रश्न नंबर 46 है कि पाक जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है, तो 46 के उत्तर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच। प्रश्न नंबर 47 है विश्व ओलंपिक 2019 विश्व ग्रीष्मकालीन खेल कहाँ हुआ है, 47 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अबू धाबी में। प्रश्न नंबर 48 विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता AI समाचार पादक किस देश में बनी, 48 के उत्तर हो जाएगा बी चीन में। प्रश्न नंबर 49 है कि इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है, तो 49 के उत्तर हो जाएगा बी मणिपुर। प्रश्न नंबर 50 है कि हॉडुरास की राजधानी कहाँ है, 50 के उत्तर हो जाएगा टेगुसिगल्पा। प्रश्न नंबर 51 है कि संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था, 51 के उत्तर हो जाएगा 1949 में। प्रश्न नंबर 52 है कि लिविंग नो वन बिहाइंड किस देश की थीम है, इसका उत्तर हो जाएगा 52 के विश्व जल दिवस का। प्रश्न नंबर 53 है कि इवरी वोट्स काउंट द स्टोरी फॉर इंडिया इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है, 53 के उत्तर हो जाएगा डी नवीन चावला। प्रश्न नंबर 54 है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, 54 के उत्तर हो जाएगा 356 और 365। प्रश्न नंबर 55 है कि पंचायती राज लागू करने वाला पहला दो राज्य कौन है, तो 55 के उत्तर हो जाएगा राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 56 प्रश्न नंबर 56 है कि आपातकालीन की घोषणा होने का एक महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है, तो 56 के उत्तर हो जाएगा सी दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है। प्रश्न नंबर 57 है कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, 57 के उत्तर हो जाएगा मॉरिशस में। प्रश्न नंबर 58 है कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, 58 के उत्तर हो जाएगा सी जेम्स प्रिंसेप ने। प्रश्न नंबर 59 है कि कौन सी संसदीय समिति CAG के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है, कैग की जांच कौन करती है, तो 59 के उत्तर हो जाएगा लोक लेखा समिति कैग के रिपोर्ट जांच करती है। प्रश्न नंबर 60 है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो 60 के उत्तर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। प्रश्न नंबर 61 है कि हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुई थी, तो 61 के उत्तर हो जाएगा दुबई में। प्रश्न नंबर 62 है कि अस्टेफेनाइट किस धातु का अयस्क है, तो 62 के उत्तर हो जाएगा चांदी का। प्रश्न नंबर 63 है कि 2019 की ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप किस देश ने जीता, 63 के उत्तर हो जाएगा जापान ने। प्रश्न नंबर 64 है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 64 के उत्तर हो जाएगा 22 मई को। प्रश्न नंबर 65 है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, तो 65 के उत्तर हो जाएगा बी श्रीरंगपट्टनम में। प्रश्न नंबर 66 कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1792 में। प्रश्न नंबर 67 है कि मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है, तो 67 के उत्तर हो जाएगा सिनेमा से। प्रश्न नंबर 68 है कि नागोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था, तो 68 के उत्तर हो जाएगा 2014 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 69 है कि भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है, 69 के उत्तर हो जाएगा ये तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 70 है कि माकंडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है, तो 70 के हो जाएगा ए क्रिकेट से। प्रश्न नंबर 71 है कि भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी, तो 71 के उत्तर हो जाएगा बी हिना जायसवाल। प्रश्न नंबर 72 है
कि दो समान लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले तार का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? तो 72 के उत्तर हो जाएगा 4:1। प्रश्न नंबर 73, निम्न में से कौन स्थल रुद्देश नहीं है? तो 73 के उत्तर हो जाएगा गैबन जो है स्थल रुद्देश नहीं है। प्रश्न नंबर 74, सूरत विभाजन कब हुआ था? तो 74 के उत्तर हो जाएगा 1907 में। प्रश्न नंबर 75, मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? 75 के उत्तर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। प्रश्न नंबर 76, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक GEO कौन जारी करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 76 के UNEP जारी करता है। प्रश्न नंबर 77 है कि परिवर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परिवर्तन कोण से क्या होता है? 77 के उत्तर हो जाएगा बराबर होता है। प्रश्न नंबर 78 है कि ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है? तो 78 के उत्तर होगा अनुधर्व यांत्रिक तरंग। प्रश्न नंबर 79 है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है? 79 का उत्तर होगा हर्षचरित्र हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है। प्रश्न नंबर 80 है कि प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ हुआ था? 80 के उत्तर हो जाएगा शिलोंग में। प्रश्न नंबर 81 है कि बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें? तो 81 के उत्तर हो जाएगा 81 के उत्तर होगा डी, सीतामढ़ी, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर, और फिर उसके बाद पटना, फिर उसके बाद जहानाबाद, और जहानाबाद गया। प्रश्न नंबर 82 की इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है? 82 के उत्तर हो जाएगा सी, जीन बैंक जो है इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 83 है कि हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर अवस्थित है? 83 के उत्तर होगा बी, पश्चिमी तट पर। प्रश्न नंबर 84, संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? 84 के उत्तर होगा 44वां संविधान संशोधन में। प्रश्न नंबर 85 है कि इटामकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? 85 के उत्तर हो जाएगा ए, नागालैंड में। 85 के उत्तर होगा ए, नागालैंड में। प्रश्न नंबर 86 की द हिंदू तथा स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने लिखा? 86 के उत्तर होगा सी, सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर। प्रश्न नंबर 87 है कि लेंस की शक्ति का संबंध है? 87 के उत्तर होगा फोकस का व्युत्क्रमानुपाती। प्रश्न नंबर 88 है कि वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है? 88 के उत्तर होगा हाइड्रोजनीकरण। प्रश्न नंबर 89 है कि जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन होने का संबंध निम्न में से कौन अनुच्छेद होगा? 89 के उत्तर हो जाएगा 92 अनुच्छेद में। प्रश्न नंबर 90 है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? 90 के उत्तर हो जाएगा सी, गाय का अंकन नहीं है। प्रश्न नंबर 91, पंचायतों के वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है? तो 91 का उत्तर हो जाएगा राज्यपाल को। प्रश्न नंबर 92 है कि साबुन में उपस्थित मिसेल का अणु किस दिशा में होता है? तो 92 का उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 93, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 93 का उत्तर हो जाएगा सी, संचालन समिति के एम मुंशी नहीं थे या सुमेलित नहीं है, लेकिन राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू थे और प्रारूप समिति डॉक्टर अंबेडकर और संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न नंबर 94 है कि संग्रहित का अर्थ होता है? 94 का उत्तर हो जाएगा कोषाध्यक्ष। प्रश्न नंबर 95 है कि सबसे पुराना युग है, इनमें से सबसे पुराना युग कौन है? ऑप्शन में है जुरासिक, बी में है क्रेम्ब्रियन, और सी में है आर्कियन, और डी में इनमें से सब हैं। तो 95 का उत्तर हो जाएगा आर्कियन जो है सबसे पुराना युग है। प्रश्न नंबर 96 है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो, खाली जगह भरना है, CH4+O2। तो 96 का उत्तर हो जाएगा CO2+H2O।
प्रश्न नंबर 97 है कि किसी संगठन के सदस्य को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? तो 97 का उत्तर हो जाएगा राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता। प्रश्न नंबर 98, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह है? तो 98 के उत्तर हो जाएगा ए, लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। प्रश्न नंबर 99 है कि बीटिंग रिस्ट्रीट उत्सव कब मनाया जाता है? तो 99 का उत्तर हो जाएगा डी, 29 जनवरी को। प्रश्न नंबर 100, लास्ट बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था? तो 100 का उत्तर हो जाएगा मेजर रेनेल को।